गाइस, हेलो एवरीवन एंड बॉयज हियर। हम आ गए इनटू माइनक्राफ्ट। आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर लूटने वाला हूँ यार। बहुत सारे विलेज को हम ऑलरेडी मैंने लूट लिया और सारे विलेज को लूट करेंगे क्योंकि विलेजेस आर इजी। विलेज को लूट किया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा यार। माइनिंग करने की ये सब कुछ करने की इतना जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और विलेज होनी चाहिए। ये रहा विलेज, इसको भी हम लूट लेंगे। और व्हाट भाई, उसको देखो भाई, इतना बड़ा स्केलेटन की फॉसिल। क्या फॉसिल है ना, जो क्या बोलते यार, पुरानी चीजों को बरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बरीड फॉसिल। यस, बरीड फॉसिल है ये। इतना बड़ा क्यों है ये भाई, इतना बड़ा पहली बार देख रहा हूं मैं। चलो इसके पास जाएंगे हम। ये मैं नूब हूं। पता है मुझे, कॉमेंट सेक्शन में नूब कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आई एम नूब, आई एम ए प्राउड नूब। गर्व होता है मुझे नूब होने का। प्रो कोई भी बन सकता है भाई। 3 साल 4 साल से गेम खेल रहा तो कोई भी प्रो बन सकते हैं, बट मुझे देखो 3 साल से खेल रहा हूं मैं इस गेम को, अभी भी नूब हूं मैं। यस, यहां पर कैसे गेम है वहां से भाई, डर लग रहा है मुझे, बहुत ही डर लग रहा है मुझे। स्केलेटन के ऊपर चढ़ रहा हूं मैं। यहाँ पर देखते से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, क्योंकि बहुत ही बड़ा है ना ये, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके रिब केज, वो अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, एम्प्टी है ये, बस नॉर्मल है यार ये, और कुछ स्पेशलिटी नहीं है यहाँ पर। और ये स्केलेटन विलेज के पास क्या कर रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक काम करें, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे ये, ऊपर जाकर देखेंगे हम, लेट्स गो। चलो, अरे अरे आ गया मैं ऊपर, आप नीचे देखेंगे। वो भाई बहुत ही बड़ा है ये स्केलेटन। वाओ, ए एक मिनट रुको, इस स्केलेटन की बॉडी को देखो भाई, छोटी नहीं लग रही है, मतलब साइज में बहुत ही बड़ा है ये, बट बेबी स्केलेटन की जैसा है ये। इसके लेग्स को देखो छोटा है, इसके हैंड्स को देखो ये भी छोटा है भाई, तो बेबी स्केलेटन की फॉसिल है यार। मतलब आसपास बड़े स्केलेटन का भी फॉसिल हो सकता है, हमें सर्च करना पड़ेगा। चलो अब मैं जंप करूंगा, अगर इस बार मैं मिस किया तो मैं सच में नूब हूं। ये ये कौन है भाई, ये विलेजर का, भाई क्या है, विलेजर का फेस को देखो, स्कल ये। वो विलेजर, वहां पर एक और विलेजर है, चलो इसका भी फेस देखेंगे हम। अरे भाई, वो ये भी स्कल है, ये विलेजर, अरे ये भी स्कल है भाई, ये सारे विलेजर्स का फेस स्कल है यार। ये कुछ घर से है क्या, है ये घर से क्या? अरे नहीं नहीं, वो स्केलेटन हमारी रक्षक है, वो स्केलेटन हमें बचाती है ज़ॉम्बीज़ और सभी इविल लोगों से। अच्छा, बचाती है तुम्हें, मतलब कैसे बचाती है भाई, विलेजर्स को कौन अटैक करता है, ज़ॉम्बीज़, वो भी रात को अटैक करता है भाई। चलो काम करूंगा मैं, रात तक वेट करेंगे, इस विलेज के अंदर अटैक होता है कि नहीं होता है देखेंगे हम। ऑल राइट, टाइम रात हो गई, ये लोग सोने के लिए जा रहे हैं। जाओ जाओ, देखेंगे ज़ॉम्बीज आएंगे नहीं आएंगे। ज़ॉम्बीज, नेचुरली ज़ॉम्बीज आ जाएंगे यार अभी तक, बट अभी तक नहीं आया कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पर। वाट, एक टॉर्च ले लाता हूँ मैं, ये टॉर्च नहीं, यहाँ पर इसको ले लाता हूँ मैं, ले लो इस टॉर्च को फटेल। रखो इसे यहाँ पर भाई, सच में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आ रहा भाई यहाँ पर इस विलेज के पास, मतलब ये फॉसिल सच में प्रोटेक्ट करती क्या इनको, व्हाट, रियली प्रोटेक्ट करती है फॉसिल इनको सारे डेंजरस चीजों से भाई। देखो एक भी ज़ॉम्बी नहीं यहाँ पर इस केव के पास भी, वाह मतलब ये रियल है यार। अच्छा ठीक है, कुछ सीखने के लिए मिला नया मुझे। चलो हम सो जाएंगे और सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। चलो मैं सो जाता हूँ मैं, अरे उठ, बाहर जा किसी और जगह पर सो जाओ। चलो मैं सो जाता हूँ, सुबह सुबह सर्च करेंगे। ऑल राइट, सुबह हो गई, चलो बेबी ज़ॉम्बी का फॉसिल है ये, अब हमें बड़े ज़ॉम्बी का फॉसिल को सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए कहाँ पर घूमना पड़ेगा मुझे। चलो सर्च करेंगे, ओ वहाँ पर एक और विलेज है भाई ऊपर, चलो यहाँ पर सर्च करेंगे, शायद हमें मिल जाएगा बड़े स्केलेटन की फॉसिल भाई। यहाँ पर एक और विलेज है, छोटी सी विलेज, ब्रिक के सब बनी हुई है भाई विलेज,
क्या है लोन क्लेरिक, ये कौन सी नाम है भाई, अंग्रेजी नाम है ये। और इसके अंदर कुछ चीजें है यार, चलो चलो देखेंगे। दरवाजे ओपन करो, पेपर है, कुछ है अनवांटेड चीजें है भाई यहाँ पर, और कुछ है। व्हाट, वो क्या है, स्केलेटन, स्केलेटन, बड़ा स्केलेटन, वो भाई यही है ह्यूज स्केलेटन, इसका बहू भी है भाई, नीचे बैठ गई है, बहुत ही बड़ा है स्केलेटन। कैसे देखूं स्केलेटन को, पूरी फेस देखना है मुझे, बट हाउ, मैं तो बहुत ही छोटा यार, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, वहां पर कुछ है, चलो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे हम। भाई देखो कितना बड़ा है, अरे तुम लोग, अरे साउंड करना बंद करो, क्यों कर रहे हो, अरे बंद करो मैडम जी प्लीज। भाई कितना बड़ा है यार, इट इज सो बिग, इसका चेहरा दिखाई दे रहा है मुझे बस, वो इसको रिवाइव कर सकता क्या मैं, आ, 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 अगर इसको रिवाइव किया तो मजा आ जाएगी यार। रिवाइवल पोर्शन कैसे मिलेगा, बट मुझे रिवाइवल पोर्शन बोन्स, यस बोन्स के साथ एक लिक्विड बनाएंगे हम, उस लिक्विड को इसके ऊपर फेंक देंगे तब ये रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि बोन्स है ना इसका पूरा बॉडी। यहाँ पर लावा बना दिया मैंने, और इसके अंदर है ग्राइंडर जिसको यूज करके ये बोन्स बन जाएंगे लिक्विड फॉर्म, और नीचे कल्ट हो जाएगा सब कुछ। चलो चलो इसके अंदर हम बोन्स को डालेंगे, डालो ये हर एक बोन को डालेंगे। अरे बाहर आ गई बोन, कम ऑन डालो डालो, डालते ही जाओ, बहुत सारे बोन्स को डालेंगे हम लिक्विड फॉर्म में, और डाल और डाल, चलो डाल दो फाइनल वन, हो गई। अब मैं नीचे लिक्विड को ले लूंगा, चलो रिवाइवल बोन के लिक्विड को हम फेंकेंगे इसके ऊपर, थ्रो, ऐसा ही थाउजेंड्स ऑफ पोशंस थ्रो करने के बाद फाइनली वन डे ये उठना शुरू किया। भाई क्या कर रहे है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, अब कल कम क्या के इसको उठा कर में क्या कर रहा, क्या कर रही है, गिटार बचा रहा है क्या ये, ओ मुझे लगे भाई बहुत ही मुझे देख लिया, ना डोंट कम नियर टू मी भाई, मेरे पास क्यों आ रही है, फ्लाई कर रहे है भाई ये, वो अरे मुझे क्यों मार दिया, गलत काम कर दिया भाई इस मॉन्स्टर को रिवाइव करके, मैं बहुत ही बड़ा गलत काम किया।